हेलो फूड लवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं नवरात्रि में बनने वाले झटपट पकौड़े। इसे आप खाइए और दूसरों को भी खिलाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको कैसे लगे। पकौड़े बनाने के लिए हमें चाहिए कुट्टू का आटा, उबले हुए आलू, सेंधा नमक, कटे हुए धनिया पत्ती, लाल मिर्च पाउडर, चॉप की हुई हरी मिर्च, चॉप की हुई अदरक, थोड़ी सी काली मिर्ची पाउडर और बड़े बड़े क्यूब्स में कटा हुआ पनीर। एक बड़े बाउल में कुट्टू का आटा लेंगे, इसमें चॉप की हुई अदरक डालेंगे, चॉप किया हुआ धनिया, थोड़ी सी चॉप की हुई हरी मिर्ची, स्वादानुसार नमक और काली मिर्ची डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें पानी डालकर एक गाढ़ा घोल तैयार कर लेंगे। इसी बैटर में हम सभी तरह के पकौड़े कोट करेंगे। इस बैटर को प्रिपेयर करके अब हम एक तरफ रख देंगे। आलू बोंडा बनाने के लिए हम एक अलग बाउल लेंगे, उसमें मैश किए हुए आलू डालेंगे, थोड़ी सी चॉप की हुई धनिया की पत्तियां डालेंगे, एक चम्मच चॉप की हुई हरी मिर्ची डालेंगे, थोड़ी सी चॉप की हुई अदरक, सेंधा नमक और लाल मिर्ची पाउडर डालकर आलू में सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो इसमें अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन व्रत में कुछ लोग अमचूर पाउडर नहीं डालते, इसीलिए मैंने नहीं डाला। अब इस मिक्सचर के छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। एक कटोरी में एक चम्मच सेंधा नमक और एक चम्मच लाल मिर्ची पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पनीर के सभी स्लाइसेस को बीच में से काट कर उसमें मसाला डाल दीजिए। मसाला भरने से पनीर अंदर से भी सीजन हो जाएगा और फीका नहीं लगेगा। सभी स्लाइसेस में मसाला भरकर अच्छी तरह तैयार कर लेंगे और उन्हें पहले से बनाए हुए कुट्टू के आटे के घोल में डालकर फ्राई करेंगे। अब हम आलू के जो छोटे छोटे बॉल्स बना रखे थे उसे कुट्टू के बैटर से कोट करेंगे और सुनहरा भूरा होने तक फ्राई करेंगे। सभी पकौड़ों को दोनों तरफ से अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। पकौड़े अब अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं और सर्व करने के लिए तैयार हैं। हम दो कच्चे आलू लेंगे और उसे फ्रेंच फ्राइज की शेप में काट लेंगे। अब इन कटे हुए पीसेस को पहले से तैयार कुट्टू के बैटर में अच्छी तरह कोट कर लेंगे और एक एक करके फ्राई करेंगे। हम इन फ्राइज़ को मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे ताकि ये अंदर से अच्छे से पक जाएं और ऊपर से क्रिस्पी हो जाएं। फ्राइज़ अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं और चारों तरफ से पक चुके हैं। अब हम इन्हें प्लेट करेंगे।
सभी तरह के पकौड़े सर्व करने के लिए तैयार हैं। इन पर हम अमचूर पाउडर स्प्रिंकल करेंगे और व्रत वाली हरी चटनी के साथ सर्व करेंगे।